Hello dear students, welcome back in standard second. Today we are going to study some revisions. We have to do some revisions of maths. So please open your maths workbook because today we are doing two maths workbooks and your exam will be coming soon. That's why we have to do some revisions. Let's get started. क्वेश्चन वन में तो होगा फिल इन द ब्लैंक्स. लास्ट में हमने जो लास्ट लेक्चर में हमने लर्न किया था कि कैसे कैसे किस तरह की ब्लैंक्स होगी जिसे आपको फिलअप करना होगा, कंप्लीट करना होगा, राइट. आगे का क्वेश्चन होगा पुट अ राइट फॉर अ रोलिंग थिंग्स एंड रॉन्ग फॉर द स्लाइडिंग थिंग्स इन फ्रॉम चैप्टर वन. चैप्टर वन में से हमें ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो चीज़ें रोल हो सकती है यानी कि गोल गोल घूम सकती है उसके लिए आपको राइट करना होगा, और जो चीज़ खिसक सकती है यानी कि धीमे धीमे खिसक सकती है लेकिन गोल गोल नहीं घूम सकती, राइट, यानी कि वो थोड़ी थोड़ी खिसक सकती है, स्लाइडिंग यानी कि खिसक सकती है, तो उसके लिए आपको रॉन्ग टिक मार्क करना है. ओके डन. वी हैव सम एग्जांपल्स. मान लीजिए कि यहाँ पर आपको कोई मार्बल्स का पिक्चर्स दिया जाएगा, ठीक है, तो मार्बल्स में क्या हो सकता है, वो राइट कर सकती है रोल कर सकती है या फिर स्लाइड कर सकती है. यहाँ पर आपको दो पार्ट्स दिए जाएंगे, रोल और स्लाइड. यहाँ पर आपको ट्रू या फॉल्स को करना है, ठीक है. यू हैव टू पुट अ राइट मार्क अदरवाइज रॉन्ग मार्क. ओके, यहाँ पर मार्बल्स है यानी कि वो खिसकेगी नहीं, वो गोल गोल घूम जाएगी, तो यहाँ पर आपको राइट करना होगा, ठीक है. फिर होगा मैच स्टिक्स बॉक्स. मान लीजिए कुछ इस तरह से आपको मैच स्टिक्स बॉक्स दिया जाएगा तो वो क्या करेगा स्टूडेंट्स, वो खिसकेगा या फिर गोल गोल घूमेगा. ऑब्वियसली ये खिसकेगा, तो यहाँ पर आपको रॉन्ग टिक मार्क करना है. ओके डन. यहाँ पर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. फिर आपको ऐसा बॉक्स ही दिया जाएगा, ठीक है, नहीं यहीं पर होगा. फिर होगा नेक्स्ट मार्बल की जगह यहाँ पर एक पॉट का पिक्चर दिया गया हो. मान लीजिए एक सुंदर सा पॉट का पिक्चर हो आपके पास, राइट, तो वो पॉट होगा जो मटका होगा वो फिसलेगा या फिर गोल गोल घूमेगा. ऑब्वियसली ये खिसकेगा नहीं, ये गोल गोल घूमेगा, तो यहाँ पर आपको राइट करना होगा, ठीक है. कुछ इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. फिर मान लीजिए स्पून का चित्र हो यानी कि कोई एक चम्मच का, कोई ऐसा चम्मच का हो तो वो गोल गोल घूमेगा या फिर खिसकेगा. ऑब्वियसली ये खिसकेगा, ये गोल गोल तो नहीं घूम सकता ना, मटका तो राउंड टाइप होता है तो वो गोल गोल घूम सकता है लेकिन जो स्पून होती है वो गोल नहीं घूम सकती, राइट. तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, स्लाइडिंग में आपको रॉन्ग मार्क करना है, ठीक है. फिर है डाइस. नेक्स्ट होगा डाइस का, जो आप लोग खेलते हैं ना वो ऐसे ऐसा आता है. लूडो में भी हम डाइस का यूज़ करते हैं, स्नैक लेडर में भी हम डाइस का यूज़ कर सकते हैं. तो वो क्या करेगा, खिसकेगा या फिर गोल गोल घूमेगा. ऑब्वियसली खिसकेगा, इट मीन्स इट इज स्लाइडिंग, इट कैन स्लाइड, इवन स्पून कैन स्लाइड. ओके, दैट्स व्हाई वी हैव टू पुट हियर रॉन्ग. फिर है अर्थ. यहाँ पर मान लीजिए एक अर्थ का आपको गोल दिया जाएगा यानी कि वो फिसलेगा यानी गोल गोल घूमेगा या फिर स्लाइड कर पाएगा. इट कैन रोलिंग, दैट्स व्हाई वी हैव टू पुट अ राइट. ओके, वैसा कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जाम में होगा. डू प्रिपरेशन वेरी वेल. ओके, आपको ऐसे सीखना है, लर्न करना है जो कि वैसे आपने लर्न कर लिया है कि कौन सी चीज़ खिसक सकती है, कौन सी चीज़ स्लाइड कर सकती है और कौन सी चीज़ रोल कर पाएगी, राइट. इट्स वेरी इजी. सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा पुट अ राइट फॉर द ऑब्जेक्ट्स विच कैन रोल स्लाइड और टू बी स्टैक्ड एंड रॉन्ग फॉर द ऑब्जेक्ट्स विच कैन नॉट रोल स्लाइड और बी स्टैक्ड. यानी कि आपको कुछ पिक्चर्स दिए जाएंगे, आपको पिक्चर्स को देखकर यहाँ पर डिसाइड करना है कि कौन सी चीज़ें, कुछ चीज़ें का पिक्चर दिया जाएगा, कई सारे थिंग्स यानी कि ऑब्जेक्ट्स का पिक्चर दिया जाएगा, यानी कि कौन सी चीज़ रोल कर सकती है, खिसक सकती है, इट मीन्स स्लाइड एंड स्टैक्ड यानी कि एक के ऊपर हम एक रख सकते हैं. तो कौन सी चीज़ ऐसी होगी जिस पर जो रोल कर पाएगी, स्लाइड कर पाएगी या फिर स्टैक्ड होगी, ठीक है. चलिए देखते हैं. यहाँ पर मान लीजिए ऑब्जेक्ट्स है हमारे पास, यहाँ पर पिक्चर्स दिए जाएंगे आपको ऑब्जेक्ट्स रोल स्लाइड एंड स्टैक ऑन पेज नंबर
13, 1 and 3 it's called 13, ओके ये वाले, तो इसे आपको लर्न करना है। मान लीजिए यहाँ पर एक टायर का पिक्चर है जो कि रोल भी कर सकता है क्योंकि ये गोल गोल घूम सकता है, स्लाइड भी कर सकता है यानी कि आप इसे उल्टा कर देंगे तो खिसकेगा भी, और स्टैक यानी कि एक के ऊपर एक हम रख भी सकते हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें होगी, फिर है ड्रम का पिक्चर, फिर है बटन का पिक्चर जो कि रोल भी कर सकता है, स्लाइड भी कर सकता है, और स्टैक यानी कि एक के बटन के ऊपर आप दूसरा बटन बिल्कुल रख सकते हैं। तो ये आपके एग्ज़ाम में बिल्कुल होगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ आपकी एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर पॉट है, फिर कैरम बोर्ड है, आइसक्रीम कोन है जो कि गोल गोल घूम सकता है, खिसक सकता है, लेकिन आइसक्रीम के ऊपर हम दूसरा आइसक्रीम नहीं रख सकते, राइट। सो इट कैन नॉट बी रोल, स्लाइड और स्टैक, दैट्स वाई वी हैव टू पुट हियर अ रॉन्ग, सॉरी इट्स कैन नॉट बी स्टैक्ड, एक के ऊपर हम एक दूसरा आइसक्रीम कोन नहीं रख सकते, दैट्स वाई वी हैव टू पुट अ रॉन्ग हियर, ओके। तो स्टूडेंट्स कुछ इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फिर होगा जैसे हमने लर्न किया था एसेंडिंग नंबर और डिसेंडिंग नंबर। एसेंडिंग का मतलब होता है ASCENDING, एसेंडिंग नंबर यानी कि आपको छोटा नंबर से लेकर बड़ा नंबर लिखना है। मान लीजिए यहाँ पर दिखा, यहाँ पर है 7, 18, 25, 39 और 45, तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा स्टूडेंट्स, जो छोटी कीमत होगी, सॉरी हम छोटे से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, फिर हम बड़े में जाएंगे। पहला आएगा 95 एंड हियर 37। मान लीजिए यहाँ पर सबसे छोटा डिजिट कौन सा है, 7, का आंसर में हम पहले लिखेंगे 7, फिर लिखेंगे 37, फिर उसके बाद थोड़ा सा बड़ा डिजिट कौन सा है, ये रहा 39, फिर थोड़ा सा डिजिट है 45 और फिर थोड़ा सा डिजिट है 95, ओके। तो इसे कहते हैं असेंडिंग नंबर, और डिसेंडिंग नंबर हम किसे कहेंगे स्टूडेंट्स, असेंडिंग नंबर को इंक्रीजिंग नंबर भी कहते हैं, सो डोंट बी कंफ्यूज्ड, ठीक है। डिसेंडिंग नंबर, डिसेंडिंग नंबर किसे बोलेंगे, मान लीजिए यहाँ पर हमें दिया गया है 84, 76, 99, 25 और 6। यहाँ पर आपको डिसेंडिंग नंबर के हिसाब से, डिसेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से यहाँ पर डिजिट लिखना होगा, आंसर लिखना होगा। तो सबसे पहले हम सबसे बड़ी वाली डिजिट को लिखेंगे, डिसेंडिंग नंबर में सबसे बड़ा डिजिट पहले जाएगा, एसेंडिंग नंबर में पहले सबसे छोटा नंबर जाएगा, फिर उसके बड़ा, फिर उससे बड़ा, वैसा वाला, और डिसेंडिंग नंबर में हिस्सा उल्टा हो जाएगा। सबसे पहले हम सबसे बड़ा नंबर लिखेंगे यानी कि 99, फिर उससे छोटा, थोड़ा सा छोटा 84, फिर उससे थोड़ा छोटा 76, फिर इससे थोड़ा सा छोटा 25, और आखिर में सबसे छोटा डिजिट हम लिखेंगे, इसे कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर, ओके। नेक्स्ट देखते हैं जो आपकी एग्जाम में अवेलेबल होगा वो है पैटर्न्स। कई लोगों को पैटर्न्स में अभी भी दिक्कत हो रही है, राइट, पैटर्न्स को अच्छे से समझ नहीं पाते। हमें यहाँ पर पैटर्न्स को लर्न करना होगा कि कैसे पैटर्न्स को हम फिलअप करेंगे। कम टू द पेज नंबर 55, इट्स हियर वी हैव टू डू सम पैटर्न्स। सो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, कंप्लीट द एम्प्टी स्पेस, कंप्लीट द एम्प्टी स्पेस एज पर अ पैटर्न, पैटर्न के हिसाब से हमें ये सारी खाली जगह पूर्णी है, ठीक है। यहाँ पर देखिए हम पैटर्न को फॉलो करेंगे, पहले हमें पैटर्न देखना होगा कि कौन सा पैटर्न यहाँ पर अप्लाई किया गया है, ठीक है, उस पैटर्न को फॉलो करके ये सारी ब्लैंक सेल्स हमें फिलअप करना होगा। इट्स वेरी इजी, यहाँ पर देखिए पहले है 14, 40, 40, उसके बाद आप क्या होता है डिसेंडिंग नंबर के हिसाब से देखिए, डिसेंडिंग नंबर के हिसाब से पहले बड़ा डिजिट, फिर छोटा यानी कि डिजिट होगा वो घटता जाएगा, राइट। 48 के बाद आता है 39, जिसने यहाँ पर स्किप कर दिया है, यू कैन सी हियर, फिर है 38, राइट। 38 के बाद क्या आता है 37, आपको पीछे खिसकना है, ठीक है, आगे नहीं जाना, पीछे जाना है। तो 37 को स्किप किया, यहाँ पर लिखा है 36, अब कौन सा डिजिट आता है 35, हमें पीछे खिसकना है, आगे नहीं जाना। 36 आता है जिसमें हम 35 को स्किप करेंगे,
और यहाँ पर लिखेंगे 34। 34 के बाद 33 को हम स्किप करेंगे। 34 के बाद आता है 33, जिसे हम स्किप करेंगे, एक डिजिट को हम स्किप करना है। फिर हम लिखेंगे 32, लिख दिया। फिर यहाँ पर हम 32 के बाद क्या लिखना चाहिए, 31 को हम स्किप करेंगे क्योंकि एक डिजिट को हमें छोड़ देना है। तो 31 को हमने स्किप किया, यहाँ पर हम लिखेंगे 30, 30। ये हमने कंप्लीट कर ली, ये हमारी पैटर्न कंप्लीट हो गई। यानी कि हमें पीछे खिसकना था एज अ डिसेंडिंग ऑर्डर और फिर हमें एक लाइन को, एक नंबर को स्किप कर देना था, राइट। फिर नेक्स्ट देखें 15 में हमें 5 ऐड करना है। 15 के बाद 16, 17, 18, 19 एंड 20। लुक एट हियर, 20 यहाँ पर अवेलेबल है। 20 के बाद देखिए कितने डिजिट को स्किप किया है, 5 डिजिट को, 21, 22, 23, 24, यानी कि 4 डिजिट को स्किप किया। जो पांचवा डिजिट था उसे हमने यहाँ पर राइट डाउन किया है, राइट। 25, राइट। तो यहाँ पर हमने 25 लिखा। अब हम आगे फिर से यहाँ पर दोहराएंगे, 25 के बाद 26, 27, 28, 29, और पांचवें नंबर पर कौन सा डिजिट आता है, 30। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 30 के बाद देखिए फिर से हम 4 डिजिट को स्किप करेंगे। वी हैव टू स्किप अ 4 डिजिट। 30 के बाद 31, 32, 33, 34, वी कैन स्किप 34 एंड देन वी हैव टू राइट 35, ओके, बिकॉज इट्स अवेलेबल इन अ 5 डिजिट। 35 के बाद फिर से हम 4 डिजिट को स्किप करेंगे, 36, 37, 38, 39। ये 4 को स्किप कर दिया, फिर कौन सा डिजिट यहाँ पर आता है, 40। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 40। फिर यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर देखिए ये पैटर्न क्या कहता है। यहाँ पर हमने 4 डिजिट को स्किप किया, जो पांचवा डिजिट था उसे यहाँ पर राइट डाउन किया। यहाँ पर देखिए 5A, यानी कि अल्फ़ाबेट की स्टार्टिंग हो रही है, नंबर भी स्टार्टिंग हो रहे हैं, राइट, नंबर भी स्टार्ट हो रहे हैं। अल्फ़ाबेट जैसे आगे बढ़ती है, A के बाद आता है B, और यहाँ पर देखिए 5 के बाद आता है 6, हमें आगे बढ़ना है। B के बाद अल्फ़ाबेट में क्या आता है, C, तो C के बाद कौन सा आ जाएगा, D, यहाँ पर है D, 6 के बाद आता है 7, राइट, तो 7 के बाद कौन सा नंबर आएगा, 8, तो यहाँ पर लिख दिया, हो गया। ऐसे हम पैटर्न को फॉलो करेंगे। D के बाद आता है E, राइट, और 8 के बाद कौन सा डिजिट आता है, 9, हो गया। E के बाद कौन सा अल्फाबेट आता है, F, तो E के बाद हमने लिख लिया F, 9 के बाद कौन सा डिजिट आएगा, 10। तो ऐसे आपको पैटर्न फॉलो करनी है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, A, B, C, D, E, और F, हो गया। इट्स वेरी सिंपल, ऐसे आपको पैटर्न फॉलो करनी होगी, ओके, क्लियर। फिर यहाँ पर देखिए 20, अगर आपको ये थोड़ा हार्ड लगे तो आप डायरेक्ट डिजिट 1 to 10 डिजिट यूज़ कर सकते हैं। 2 के बाद आता है 3, 3 के बाद आता है 4, 4 के बाद आता है 5, और 0 का 0 रहेगा 15। अदरवाइज आपको काउंट करना आता हो तो 10 के बाद आता है 10 plus 10 20, 20 plus 10 30, 30 plus 10 40, 40 plus 10 50, 50 plus 10 60, और 5 के बाद भी 6 ही आता है, 6 0 का 0 वैसा रहेगा 60, और 60 के बाद आता है 70, ठीक है, 60 plus 10, 60, उसमें आप 10 को ऐड करोगे तो आंसर होगा 70, ठीक है, 60 plus 10 is equal to 70। अदरवाइज 60, 6 के बाद आता है 7, और 0 का 0 वैसे रहेगा, ठीक है। ये हो गई हमारी पैटर्न, यहाँ पर भी सेम है। यहाँ पर 0 से 0 हमने कनेक्ट किया था, हमने 10 को ही ऐड किया था, यहाँ पर भी सेम करना है। 1, 2, 3, 3 के बाद आता है 4, और 9 वैसा का वैसा रहेगा 49, ठीक है। अदरवाइज आप अगर काउंट कर सके तो इसमें भी आपको 10 ऐड करना होगा, 90 plus 10 यानी कि 29, राइट, 29 plus 10 is equal to 39, 29 में आपको 10 ऐड करना है तो हो जाएगा 39। यहाँ पर मैं आपको करके दिखाती हूँ, 29 plus 10,
सी 9 + 29 + 10 9 + 0 रहेगा 9, 2 + 1 हो जाएगा 3, 1, 2, 3 हो गया 39। यहाँ पर आया हमारे पास 39 था, 39 + 10 यहाँ पर 39 कर दीजिए, +10 9 + 0 इज इक्वल टू 9, 3 + 1 हो जाएगा 4, हो गया 49। ऐसे ही 49 + 10 हो जाएगा 59, 59 + 10 हो जाएगा 69। अदरवाइज आप यहाँ पकड़ सकते, 4 के बाद आता है 5, 5 के बाद आता है 6 और 9 वैसा का वैसा रहेगा। हो गया, ये हमने कुछ पैटर्न्स को फॉलो किया और इस पैटर्न्स को कंप्लीट किया। टर्न योर पेज, कम टू द पेज नंबर 59। 5 and 9 इज कॉल्ड 59। It's here. In let's do homework. We have some patterns. Complete the empty space in this, in the pattern. Okay? Let's understand it. First we have a round. उसके बाद है square. उसके बाद हम क्या रखेंगे, उसे skip कर दीजिए। जैसे अभी तक यहाँ पर भूल जाइए कि यहाँ पर कोई empty space है, ठीक है? फिलहाल के लिए हम इसे भूल जाते हैं। फिर है यहाँ पर round. फिर है स्क्वायर, ये रख दिया। और स्क्वायर के बाद क्या आता है, स्टार। देखिए राउंड के बाद स्क्वायर है, इसीलिए यहाँ पर हमने राउंड के बाद स्क्वायर को ड्रॉ किया। फिर यहाँ पर स्टार, तो यहाँ पर हम रखेंगे एक स्टार। हो गया, ये दोनों पैटर्न सेम हो गई, राउंड स्क्वायर स्टार, राउंड स्क्वायर स्टार। हो गया, इसे आपको मैच करना होगा, सिर्फ इस पैटर्न को फॉलो करके इसे मैचअप करना होगा, ठीक है? जैसे आगे की पैटर्न होती है उसे मैच करना है। फिर यहाँ पर स्क्वायर और ये जो स्टार है वो यहाँ पर अवेलेबल है, तो कौन सी साइन यहाँ पर मिसिंग है, ऑब्वियसली सर्कल। तो यहाँ पर हमने रख दिया सर्कल। हो गया, सर्कल इट मीन्स राउंड, स्क्वायर एंड स्टार, ये कंप्लीट हो गया। फिर नेक्स्ट देखिए, ये वाला एरो साइन है, फिर है ट्राइंगल और फिर है स्क्वायर। यहाँ पर हम फिर से लिखेंगे एरो वाला साइन, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर पहले था एरो वाला साइन, तो जो पहले होता है उस पैटर्न को आपको देख लेना है, पूरी पैटर्न को, कि पहले कौन सा साइन है। पहले आता है एरो की साइन, फिर आती है ट्राइंगल की साइन और फिर आती है स्क्वायर की साइन। यही आपको दिमाग में रखना है कि पहला कौन सी पैटर्न यहाँ पर है, कौन सी पैटर्न यहाँ पर बन रही है, कौन से साइन को पहले इस्तेमाल किया है, कौन से साइन के पीछे कौन सा वाला साइन आता है, राइट? तो यहाँ पर हमने, ये हो गई हमारी एक पैटर्न, एरो ट्राइंगल एंड स्क्वायर। आपको यही फॉलो करना है, वेरी सिंपल। पहले एरो, फिर ट्राइंगल और फिर स्क्वायर। यहाँ पर स्क्वायर नहीं ड्रॉ किया है, चलिए स्क्वायर ड्रॉ कर देते हैं। फिर यहाँ पर देखिए, एरो साइन तो दिया गया है, कौन सा शेप, कौन सा साइन यहाँ पर मिसिंग है, ट्राइंगल। एरो के बाद आता है ट्राइंगल, तो यहाँ पर हमने ट्राइंगल को ड्रॉ कर दिया और ये वाला स्क्वायर यहाँ पर अवेलेबल है। ओके, तो सिर्फ इसी साइन को आपको फॉलो करके इस पैटर्न को कंप्लीट करनी होगी। यहाँ पर पहले तीन आपको साइन देख लेने हैं, कौन से तीन साइन यहाँ पर है, कौन सी पैटर्न हमें फॉलो करनी है। तो पहले है हेक्सागोन, फिर है हार्ट साइन और फिर है ट्राइंगल। यही पैटर्न आपको फॉलो करनी होगी, पहले हेक्सागोन, फिर हार्ट साइन और फिर ट्राइंगल। यहाँ पर देखिए, ये वाली 3 और ये वाली 3 हो गई, इसे हमने कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पर है पहले हेक्सागोन जो कि अवेलेबल है, यहाँ पर ट्राइंगल भी है, कौन सी साइन मिसिंग है, ऑब्वियसली हार्ट साइन। तो यहाँ पर हम हार्ट साइन को ड्रॉ करके इसे फिलअप करेंगे। ये हमारी पैटर्न नंबर 1 हो गई थी, ये पैटर्न नंबर 2 हमने कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये रही हमारी पैटर्न नंबर 3। देखिए ठीक है, यहाँ पर आपको पैटर्न ही फॉलो करनी थी, जैसे यहाँ पर एरो, ट्राइंगल और स्क्वायर था, इस पैटर्न को आपको फॉलो करना था। आपने फॉलो किया, पहले स्पेस में आपने ये एरो साइन ड्रॉ किया, फिर ट्राइंगल को ड्रॉ किया, यहाँ पर जो मिसिंग था वो था स्क्वायर, तो आपको आपने इस स्क्वायर को कंप्लीट किया। फिर ये हो गई पैटर्न नंबर 2, पैटर्न नंबर 2 ये आपने कंप्लीट कर ली। फिर ये वाली थी पैटर्न नंबर 3, एरो साइन यहाँ पर अवेलेबल था, फिर था ब्लैंक और फिर था स्क्वायर। तो कौन सा साइन यहाँ पर मिसिंग था, तो एरो के बाद आता है ट्राइंगल,
तो इसीलिए यहाँ पर हमने ट्रायंगल को ड्रॉ किया और ये तीनों पैटर्न हमने कंप्लीट कर ली। फिर यहाँ पर देखिए हमारे पास ये पैटर्न है, पैटर्न नंबर 1, फर्स्ट आएगा हेक्सागोन, फिर हार्ट साइन और फिर ट्रायंगल, ये थी पैटर्न नंबर 1। पैटर्न नंबर 2 में पहले से हेक्सागोन और ट्रायंगल अवेलेबल था, कौन सी साइन मिसिंग थी? तो यहाँ पर जो बीच में है हार्ट साइन, तो उसी हार्ट साइन को हमने ड्रॉ करके इस पैटर्न को कंप्लीट कर लिया। तो ये हमारी पैटर्न नंबर 2 कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट देखते हैं पैटर्न नंबर 3। वी हैव अ पैटर्न नंबर 3। यहाँ पर देखिए पहले हार्ट साइन यहाँ पर ऑलरेडी अवेलेबल है, कौन सी साइन यहाँ पर मिसिंग है? तो देखिए पहले होता है हेक्सागोन, तो इसीलिए यहाँ पर हम पहले हेक्सागोन को ड्रॉ करेंगे। ये हो गया, ये हमने हेक्सागोन को ड्रॉ कर दिया, ठीक है, हेक्सागोन हो गया। फिर हार्ट तो पहले से अवेलेबल है, फिर कौन सा साइन फॉलो करेंगे? ट्रायंगल को। तो यहाँ पर हमने ड्रॉ कर दिया ट्रायंगल को, तो एक ट्रायंगल आपने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया और ये पैटर्न कंप्लीट हो गई, हेक्सागोन, हार्ट और ट्रायंगल। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी को पैटर्न कहते हैं। इट्स वेरी सिंपल, पहले आपको 3 पैटर्न यहाँ पर देख लेनी है और फिर उसके हिसाब से यहाँ पर आपको पैटर्न कंप्लीट करनी होगी, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमने किया था पैटर्न नंबर 1, राउंड स्क्वायर स्टार, फिर से हमने कंप्लीट कर दिया, राउंड तो पहले से था, स्क्वायर और स्टार को ड्रॉ करके हमने इस पैटर्न को फिलअप किया। यहाँ पर हमें पहले से स्क्वायर दिया गया था और स्टार दिया गया था, तो कौन सा साइन मिसिंग था? राउंड, तो हमने राउंड को ड्रॉ कर दिया। ऐसे ही आपको सारी पैटर्न्स को फिलअप करनी है। ओके, डू योर प्रिपरेशन वेरी वेल, देन बाय, यू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ्स।